सेशन शुरू कर सकते हैं मैम? बढ़िया, ठीक है। तो बढ़िया, इस सेशन को शुरू करने के लिए है ना, एक प्रश्न दो प्रश्न जो अभी पूछे भी गए थे, और इसमें भी बार बार ये दिख रहा है कि एक है ना प्रपोजल आया है, एक प्रस्ताव आया है कि मैं भी हूँ, शरीर भी है ना। शरीर तो दिखाई पड़ रहा है आँख से मुझे, लेकिन मुझे अपने को देखना है तो मैं कैसे देखूँ, है ना। तो मैं क्या हूँ, ये सेल्फ क्या है, ये जो नाम दे रहे हैं, ये जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये एक्चुअली किस वास्तविकता के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा और डिटेलिंग की जरूरत है। इसकी बात की थी अभी भी, अभी एक प्रश्न भी आया था शुरुआत में राहुल जी का, और तो इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि सेल्फ क्या है, देखना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेल्फ को समझ पाए हैं, इतना देख पाए हैं कि सेल्फ एक कॉन्शियस यूनिट है, एक चैतन्य इकाई है जो डिसीजन ले रहा है। तो मैं हूँ ये मुझे बार बार है ना दिखता है, अपने से देख के पूछ के देखिए आप हैं या नहीं है। लेकिन आपको अपने को देखने के लिए है ना, या अपनी क्रियाओं को देखने के लिए कि आप में ये इच्छा विचार आशा चल रही है, आप में संबंध की चाहना बनी हुई है, आप में है ना सुखी होने की चाहना बनी हुई है, इसके लिए आपको इन सेंसेशंस का, इन बॉडी पार्ट्स का यूज करना पड़ता है, या ये आपको अपने आप में दिखता ही रहता है। तो इम्पोर्टेंट है ये देखना कि जो हम ये सेल्फ को देखने का काम करेंगे, ये बॉडी की लिमिट से ऊपर जा करके, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द सेल्फ थ्रू आईज। अभी फिलहाल एक अजम्पशन के साथ है कि मेरा देखना आईज के साथ हो रहा है, आंखों से देखना हो रहा है, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, ये अजम्पशन है या एक्चुअली नोइंग है। तो ध्यान से देखें तो मैं देखना चाह रहा हूँ, आंखों पर इमेज बनती है, इमेज बहुत सारी चीजों की बनती है, लेकिन उस इमेज से मैं वो सेलेक्ट करता हूँ, वो एक्सपेक्टेड है ना इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी चाहना के साथ मैच करती है। अदरवाइज बहुत सारी इमेजेस का सिर्फ आंखों पर बनना, ये देखना है ना है कि नहीं, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो मैं देखता उसी चीज को हूँ जो मैं डिसाइड करता हूँ, जो मैं निर्णय लेता हूँ। तो निर्णय मैं ले रहा हूँ, डिसीजन मैं ले रहा हूँ, है ना, चाहना मेरी है। इसको देखने का काम मैं अपने में करने जा रहा हूँ, आंखों का इसमें है ना बेयर मिनिमम यूज है। बेयर मिनिमम यूज का मतलब जितना कुछ दूसरे से एक संवेदना रूप में सूचना आएगी, उसको मुझे देखने के लिए, पढ़ने के लिए अपनी आंखों को लगाना पड़ेगा, लेकिन हेलो, एक्सप्लोर करने के लिए तो मुझे अपने में देखना। जी कुछ कह रहे हैं भैया, कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा नहीं दीदी, नहीं दीदी, नेक्स्ट करिए, अच्छा कंटिन्यू करिए मैम। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आंखों के से देखने से कुछ अलग बात है, अपने को देखने के लिए है ना, ये आंखों की लिमिट से अपने को और थोड़ा जाकर के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, है ना, या फिर मैं अपने को खुद सीधे सीधे देख सकता हूँ। इसी को प्रयास करने जा रहे हैं, इसको देखने जा रहे हैं। रादर मैं इसको जब है ना बच्चों से डिस्कस करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम सेल्फी लेने जा रहे हैं, सो इट इज हेयर ऑल्सो ट्रू, वी आर गोइंग टू है ना टेक सेल्फी। सेल्फी का मतलब जब सेल्फ को देखने जा रहे हैं, कॉन्शियस यूनिट को देखने जा रहे हैं, तो कॉन्शियसली देखना पड़ेगा, अपने में अवेयरनेस के साथ में देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का एरिया नहीं है, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड बॉडी, अलग है बॉडी से, इसलिए आंखें अपने आप में पूरी नहीं पड़ेंगी उसको देखने के लिए। तो खुद अपने आप में अपने को देखने का प्रयास कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन सेल्फ, अपनी व्यवस्था को समझने के लिए, अपने को देखने के लिए है ना एक सेल्फी लेने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट दे दीजिए, ये तो पिछली स्लाइड है जो आप टैग जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो अपनी क्रियाओं को अगर हम देखने की, अपने को देखने का बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ना मैं अपने को कैसे देखूंगा, क्योंकि मैं कुछ मटेरियल तो हूं नहीं कि मुझे बाहर कुछ दिखाई पड़े, आंखों से कुछ दिखाई पड़े, तो मैं अपने को कुछ क्रियाओं के माध्यम से, कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से देख पाता हूँ। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी मुझ में जो चल रहा है वो मैं देख पाती हूँ, कि मैं संबंध की इच्छा रखती हूँ, फिर संबंध के अर्थ में मैं विचार चलाती हूँ है ना, कि संबंध और है ना संबंध को देख करके, संबंध की इच्छा के साथ मैं सुखी होती हूँ, तो क्या किया जाए इसके लिए। तो मैं सोचती हूँ चलो किसी मित्र को कॉल कर लेती हूँ, है ना, एक विचार ये बनता है। एक विचार ऐसा भी बनता है कि ये बुक पढ़ती हूँ है ना, इससे मुझे कुछ अपने में एक उपलब्धि होगी, एक समझ बनेगी, तो
तो इस तरह से एक इच्छा के जो जिसमें संबंध की इच्छा शामिल है उसके साथ बहुत सारा विचार चलता है, लेकिन ये सब बाहर हो रहा है कि बाहर होने के पहले अंदर हो रहा है, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो मुझमें संबंध की इच्छा बनी, संबंध की इच्छा को लेकर के, है ना, सुख की इच्छा को लेकर के मैंने सोचा कि मैं किसी मित्र को फोन करूं, फोन जब करूंगी तो फिर वो, है ना, बाहर एक्सप्रेस होगा। तो जो अभी देख रहे हैं यहाँ सेल्फ और बॉडी, ये दो एरियाज दिख रहे हैं आपको इस स्लाइड में। तो अभी मैं बात कर रही हूँ जो अपने में हो रहा है, अपने में देखने का काम करूं, फिर उसके बाद जो व्यक्त करने का काम होगा वो शरीर के थ्रू होगा। तो मैं जब बॉडी से कॉल करूंगी, है ना, तब वहां पर जब मैं फोन उठाऊंगी या मैं जब मैं, है ना, उसको कुछ शब्द पहुंचाऊंगी तो शरीर का उपयोग करूंगी। लेकिन जो अपने में हो रहा है अभी वो उस, है ना, एक्सप्रेशन से पहले की बात है, उसको नोटिस करने की जरूरत है। तो मैंने अपने में इच्छा बनी कि मैं, है ना, संबंध के साथ सुखी होने के लिए अपने मित्र से बात करूं, अपने फ्रेंड को कॉल करूं, विचार चलाया। इसी संबंध के साथ इसी सुख की इच्छा के लिए मुझे ये लगा, है ना, कि संबंध को समझने के लिए, सुखी होने के लिए कुछ, है ना, कुछ बुक्स का रेफरेंस मिल जाए, ये बुक का रेफरेंस मिला उसको पढ़ूं, ये भी विचार चलाया। इस तरह से एक संबंध के को जानने, भावों को जानने, सुखी होने के लिए मैं बहुत सारे विचारों को चला सकती हूँ। जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तो अपने तो मित्र ने भी मुझे एक, है ना, सजेशन दिया कि भाई अगर इसको बात को समझना चाहते हो तो ये अच्छी बात है तुम ये बुक रेफर कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी ही बात उस मूवी में भी कही गई, तो अगर वो मूवी देखोगे, वो डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो दैट विल ऐड यू। यहाँ से भी मुझे, है ना, एक थॉट प्रोसेस मिली संबंध को, सुख को समझने के लिए। अब मैं अपने आप में ये देख रही हूँ कि जो भी चीज मैं एक इच्छा कर रही हूँ उससे रिलेटेड जो विचार चला रही हूँ और विचार के साथ कुछ एक्सपेक्टेशन मेरी बनी हुई है, जुड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशन इस बात को लेकर के है कि मेरी इच्छा, है ना, पूरी हो जाए। इस दृष्टि से मुझे बाहर से कुछ अपेक्षा है, उस बाहर से अपेक्षा में शरीर मेरा सहयोगी हो रहा है। तो फ्रेंड का सजेशन मुझे सहयोगी हो रहा है, किताब को पढ़ना मेरे लिए सहयोगी हो रहा है, ये सारा बॉडी से जो इनपुट मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए सहयोगी तो हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैं देखूं अपने में ये इच्छा विचार आशा मेरे में लगातार चल रही है, ये एक्टिविटीज मेरे में लगातार चल रही है, बाहर एक्सप्रेस होने के पहले मेरे में लगातार चल रही है, एक्सप्रेशन में मैं सिलेक्शन के बाद कुछ, है ना, अपने कुछ कल्पनाशीलता को, कुछ इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करता हूँ, बहुत सारी चीज को अंदर ही रोक लेता हूँ, नहीं एक्सप्रेस करता हूँ। जैसे बहुत सारे थॉट्स चले, है ना, तो संबंध के साथ में, है ना, सुख के साथ में जीने के लिए फ्रेंड के साथ बात कर लिया जाए, बुक पढ़ लिया जाए, मूवी देख लिया जाए, अब इसके बाद एक्सप्रेशन तक लाते लाते मैंने एक चीज को सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है, है ना, अभी बुक पढ़ लेते हैं। तो फिर इसके साथ ही मेरी कल्पनाशीलता में जो दो और चली, दो और विचार चले, वो कल्पनाशीलता में ही बने रहे, एक्सप्रेस नहीं हुए। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे में इच्छा विचार आशा लगातार चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, है ना, उसका एक्सपेंशन मैं अपने आप में देख पाता हूँ। उसके लिए मुझे किसी भी बॉडी पार्ट की जरूरत नहीं होती, किसी संवेदना की जरूरत नहीं होती उसको अपने में देखने के लिए। हाँ, जब मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ सेलेक्ट करने के बाद दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, तब मुझे बॉडी से कुछ सहयोग की जरूरत होती है, बॉडी से, है ना, कुछ रिक्वायरमेंट, उसके एग्जीक्यूशन पार्ट को लेकर के बॉडी की रिक्वायरमेंट बनती है। तो अपने में एक्सप्लोर करके देखें, इस बात को थोड़ा पॉज दें कि ये जो पूरी जो क्रियाएं चल रही हैं अपने में, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, ये चल रही है कि नहीं चल रही है, लगातार चल रही है कि नहीं चल रही है, और इसी को हमने कलेक्टिवली एक यहाँ पर एक, है ना, शब्द देके संबोधित किया है जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं। सो इमेजिनेशन इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन। मुझमें इच्छा चल रही है, उस इच्छा से रिलेटेड बहुत सारा विचार फैल रहा है, उस विचार में से, है ना, कुछ उन विचारों के साथ एक्सपेक्टेशन है और उस एक्सपेक्टेशन में मैं कुछ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा और देखा, आर यू एबल टू सी द सम दैट सम इमेजिनेशन और द अदर इज गोइंग ऑन इन यू एट दिस मोमेंट। तो बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं, हाँ, ये इमेजिनेशन अपने में चल रही है। इज दिस इमेजिनेशन, दिस DTE शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, दिस इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम कंटिन्यूअसली और दिस इज इंटरमिटेंट, कभी कभी चल रही है या हमेशा चल रही है। तो फिर, है ना, लोगों ने देखना शुरू किया है और पोलिंग अपने आप में ये रिजल्ट्स बता रहे हैं
कि लोग ये देख पा रहे हैं, ज्यादातर लोग ये देख पा रहे हैं हमने से, कि अपने में लगातार ये इच्छा विचार आशा चल रही है। बहुत सारे लोग अभी इस पर है ना थिंक कर रहे हैं, एक पॉज दे रहे हैं और अपने है ना को रजिस्टर करा रहे हैं, अपने कंक्लूजन को रजिस्टर करा रहे हैं, लेकिन इतना दिखाई पड़ रहा है इस रिजल्ट के साथ कि बहुत सारे लोगों में हमने से अपने को दिख रहा है कि हमने ये इच्छा विचार आशा बिना रुके हुए लगातार चल रही है ना। तो और एक्सप्लोर करें, इस एक्सप्लोरेशन में ये पोलिंग हमारे लिए, ये रिजल्ट, ये रिफ्लेक्शन हमारे लिए सहायक है कि हम ये देख पाए कि अपने में हर मोमेंट कुछ इच्छा विचार आशा चल रही है। ये जरूर है क्योंकि मैं अपने आप में कंटिन्यूस हूँ, ये एक्टिविटी मेरे में अपने में लगातार चल रही है और ये रिजल्ट आ गया है। आर यू एबल टू सी दैट सम इमेजिनेशन और द अदर इज गोइंग ऑन इन यू एट दिस मोमेंट? चॉइस वॉज मैक्सिमम, हमने पहले भी इसको देख लिया था 97%, फिर अभी देख रहे हैं कि ये इमेजिनेशन जो कि कॉम्बिनेशन है डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन का, ये लगातार चल रही है या कभी कभी चल रही है? तो 62% लोगों का कहना है कि अपने में दिख रहा है कि ये लगातार चल रही है। अभी भी कुछ लोगों को है ना इस बात को लेकर के ना अभी एक्सप्लोरेशन रिक्वायर्ड है, वो और देखना चाह रहे हैं कि इमेजिनेशन लगातार चल रही है या कभी कभी चल रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कभी कभी तो चल रही है, कभी कभी तो दिख रहा है कि मैं इच्छा कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, है ना, एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, लेकिन ये लगातार चल रही है, दिस इज स्टिल टू एक्सप्लोर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू सी कि ये इच्छा विचार आशा मुझ में लगातार चल रही है या रुक रुक के चल रही है। इसको देखें, इसको एक्सप्लोर करें और ये भी देखें कि कोई इच्छा ऐसी है क्या जो कंटिन्यूएशन में मेरे साथ बनी हुई है। बहुत सारी इच्छाओं को के पीछे भी कोई इच्छा ऐसी है क्या जो कंटिन्यूएशन में बनी हुई है मेरे साथ, लगातार बनी हुई है? जैसे ऐसा हो सकता है ना कि अभी मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, दूसरे मोमेंट है ना मुझे अभी कुछ कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, दूसरे मोमेंट है ना मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा है, कभी मुझे है ना आराम करने का मन कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी इच्छाएं मुझे बनी हुई है, कभी मुझे रिसर्च पेपर लिखने का मन कर रहा है, कभी मुझे ऐसा लग रहा है लॉकडाउन जल्दी से खुल जाए, है ना। तो ये सारी इच्छाएं मेरे में, मैं बार बार देख रहा हूँ कि ये इच्छा बन गई है, फिर उससे रिलेटेड मैं फर्दर प्रोसेस करता हूँ, प्लान बनाता हूँ, आपको पूरा करने के लिए थॉट प्रोसेस देता हूँ और कुछ एक्सपेक्टेशन है उसके साथ में जुड़ी हुई जो इस इच्छा को पूरा करने के लिए ये मुझमें लगातार चल ही रही है। हालांकि कंटेंट बार बार बदल रहा है, तो मैं शिफ्ट जरूर हो रहा हूँ लेकिन इच्छा कभी भी रुक नहीं जा रही है। कंटेंट बदल रहा है इच्छा का लेकिन इच्छा कभी रुक नहीं रही है, इसको अपने में देखने की जरूरत है। और रादर कुछ इच्छा ऐसी भी है क्या जो अपने में लगातार बनी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने की जरूरत है कि जब मैं घूमने का डिसाइड कर रहा हूँ, जब मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने का डिसाइड कर रहा हूँ, जब रिसर्च पेपर है ना लिखने का डिसाइड कर रहा हूँ, किसी से बात करने का की इच्छा बनाए हुए हूँ, इन सारी इच्छाओं के साथ कोई ऐसी इच्छा भी है क्या जो कंटिन्यूएशन में हर इच्छा को अगर मैं बैक ट्रेस करूं तो मुझे मिल जाए? तो ऐसा देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि सुख की इच्छा मेरे में लगातार बनी हुई है। सो ऑल्दो आई एम स्विचिंग ऑन वेरियस डिजायर्स, हर मोमेंट मेरी है ना ये डिजायर चेंज हो रही है, कभी पूरा होने के बाद, कभी कुछ चीजों को इमेजिनेशन तक ला रहा हूँ लेकिन बॉडी से एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये डिजायर का, थॉट का, एक्सपेक्टेशन का बार बार कंटेंट बदल रहा है, स्विच ऑन कर रहा हूँ लेकिन ये लगातार अपने में चल रही है। इसको बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान दे करके समझ लें, है ना, एक बार पॉज करके सोच करके देख लें कि अपने में लगातार चल रही है कि नहीं। और बिहाइंड एवरी ऑफ द डिजायर जो मैं अपने में विचार में चला रहा हूँ या फिर जिसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसके पीछे एक मूलभूत इच्छा जो सुखी होने की इच्छा, वो तो अपने में बराबर बनी हुई है ना। तो बात करने के क्यों बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बात करके मुझे अच्छा लगेगा। क्यों किसी बुक को पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि बुक को पढ़ने के बाद समझ बनने के साथ मैं सुखी होने की तरफ जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो ये मैं जो मेरी सुखी होने की इच्छा, मुझे अच्छा लगने की इच्छा, ये मेरे में लगातार हर इच्छा के पीछे बैक में बनी हुई है। इसको अपने में देखने की जरूरत है, अपने में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ये डीटी, ये तीन चीजें अपने में जिसको हम कलेक्टिवली इमेजिनेशन बोल रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। और ये देखने की जरूरत है कि ये अपने में पहले हो रहा है, अपने में हो रहा है, फिर उसमें से हम कुछ एक पर्टिकुलर है ना जगह तक कंक्लूड करके फिर उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं।
तो इसको देखने की जरूरत है। एक और एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी जिससे बात समझ आए, है ना। तो एक है ना, हम गाना सुनते हैं कि बंगला बने न्यारा ना, और एक बंगला बने न्यारा के साथ में एक इच्छा बन जाती है कि मेरा भी अपने पास एक घर होना चाहिए, है ना। तो अब ये एक इच्छा बनते ही इसके साथ बहुत सारे ना विचार दौड़ने लग जाते हैं। तो इस विचार की श्रृंखला में मुझे ध्यान आता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि पढ़ने लिखने के लिए कितने भी दूर चले जाओ, लेकिन जब घर बनाना है ना, तो अपने सगे संबंधियों के बीच में अपने नेटिव प्लेस को ही है ना ध्यान रखना। तो एक थॉट प्रोसेस, एक विचार चलता है कि मुझे है ना घर जब लेना होगा, अपना घर लेना होगा, तो मैं उस जगह को सिलेक्ट करूंगा, अपने पिताजी के है ना उस बात को, उस एडवाइस को है ना मैं ध्यान करता हूँ और मैं इस हिसाब से ये प्लान करता हूँ। एक और पोल यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो उसको देख लें एक बार और साथ में हम लोग ये जो अपने में इमेजिनेशन देखने का काम कंटिन्यू रखें। सो इट इज रिफ्लेक्टिंग हियर एज आई एम एबल टू सी दैट इफ माय इमेजिनेशन इज बेस्ड ऑन प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन आई एम अनसेफ। सर थोड़ा सा इसको हम इस पोल को थोड़ा रोक के चलेंगे अगर तो अच्छा रहेगा, थोड़ी सी बात खत्म हो जाए तब हम लोग इस पोल को शो करें तो ठीक रहेगा। दिस इज बिफोर टाइम सो लिटिल बिट तो लेट इट बी, थोड़ा सा इसको रोक दें अभी इस पोल को। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने एक घर की इच्छा की और उससे रिलेटेड कुछ विचार चल रहे हैं। विचार में एक इनपुट आया कि पिताजी का है ना जिस तरह का एक विचार था उसको लेकर के मुझे अपने घर के बारे प्लान करना चाहिए, और उसी बीच में फिर कुछ और इनपुट्स भी मुझे अपने मित्रों के भी मिलने लग जाते हैं, फ्रेंड्स के भी मिलने लग जाते हैं कि है ना कहाँ अभी गाँव देहात में फिर वापस जाओगे, इतना आगे निकल आए हो, है दुनिया आगे जा रही है, तुम पीछे जाने की सोच रहे हो, तुम्हें सोचो यहाँ हॉस्टल में रहना पड़ा, तुम्हें यहाँ पर डे बोर्डिंग में रहना पड़ा, है ना। तो आगे बढ़ो और अपने बच्चों के लिए जगह बनाओ, ऐसी जगह जहाँ पर पढ़ाइयाँ, जहाँ पर उनके अपने प्रोग्रेस के लिए है ना पॉसिबिलिटी बने। तो एक विचार मेरा इस तरह का भी चलता है। इच्छा निश्चित एक रूप से घर की बनी, उसके चलते बहुत सारे विचार फैल रहे हैं, लेकिन इन सारे विचारों पर अभी मैं काम नहीं करने जा रहा, अभी अपने में इन विचारों को मैं देख पा रहा हूँ, है ना। इसी बीच में ऐसा भी दिखाई पड़ा कि मैं एक मूवी देखने गया, उस मूवी में एक घर है ना जिसको मुझे दिखाई पड़ा और मुझे लगा कि वाह ये तो बढ़िया है, जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो है ना तो इस तरह का कुछ एक डिजाइनिंग करूंगा जरूर। और इसमें ये जो बाहर वाला जो बैठने का एरिया है ना जहाँ नेचर के साथ नेचर को भी देख पाता हूँ और अपने में है ना एक्सप्लोरेशन का काम हो पाता है, तो दिस इज अ प्लेस ऑफ लाइकिंग फॉर मी, तो ऐसा जरूर करूंगा। तो इस तरह से मैंने एक है ना उस जगह जाकर के भी विचार में अपने चलाया और वहां से भी एक पर्टिकुलर जगह पर जाके कंक्लूड किया और एक्सपेक्ट किया कि अगर ऐसा घर बन जाएगा, ऐसी जगह मुझे मिल जाएगी, ऐसी जगह बैठ पाऊंगा, है ना, तो मैं उस घर के साथ सुखी होकर के, संतुष्ट होकर के, आराम से रह पाऊंगा। तो इस तरह से एक इच्छा विचार आशा मेरे में लगातार चल रही है जिसको एक एग्जाम्पल के तौर से हम देख रहे हैं, है ना, इस इमेजिनेशन के तौर पे देख रहे हैं अपने में, ये लगातार चलती है। इस इमेजिनेशन को देखते हुए ये देखें कि ये जो घर बनने की इच्छा है, इस घर बनने की इच्छा में, इस इच्छा को सपोर्ट करने के लिए, इस इच्छा के पीछे एक्चुअली सोर्स क्या बन रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है देखना। तो घर की इच्छा हुई और घर के बारे विचार चल रहा है, आशा बन रही है, उस इच्छा को जिसको इच्छा विचार आशा को जिसको हम कल्पनाशीलता कह रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। सोर्स कुछ प्री कंडीशनिंग है, प्री कंडीशनिंग का मतलब मेरे पिताजी का सजेशन है, मेरे पिताजी की एडवाइस है कि बेटा कितना भी है ना पढ़ लिख जाओ, अपने नेटिव प्लेसेस को मत भूलना, तो इसलिए उस एक मान्यता के साथ मैंने घर बनाने का को लेकर के है ना फाइनली थॉट प्रोसेस चलाया, एक्सपेक्ट किया, सिलेक्ट किया, है ना, कि उस जगह जा करके उस इतने अपने है ना इस बजट में इतने लोगों के बीच में इस एरिया में जगह बना दूंगा, एक कंडीशनिंग इस तरह की एक मान्यता के साथ में मैं घर बनाने को लेकर के है ना कंक्लूड करता हूँ, कुछ निष्कर्ष निकालता हूँ। इसी तरह से अभी बात हो रही थी कि बहुत सारे फ्रेंड्स के है ना एडवाइसेस और बिलीफ सिस्टम के साथ भी मैं ऑपरेट होता हूँ, लेकिन जो तीसरा वाला केस हमने है ना देखा था कि मैं मूवी देखने गया और मूवी में भी मुझे कोई एक प्लेस, एक घर ऐसा दिखाई दिया, एक प्लेस उसने ऐसी दिखाई दी, उस कमरे का पर्टिकुलर है ना एक इंटीरियर ऐसा दिखाई पड़ा जो मुझे लगा कि मेरा घर जब होगा तो ये बिल्कुल एक्चुअली ये सूटेबल है, बिल्कुल मेरे लिए, मेरे है ना अपेक्षा के अनुरूप है, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। तो ये जो इनपुट मुझे मिला ये सेंसेशन से मिल गया,
तो अभी देखेंगे आप, तो मेरी इच्छा विचार आशा, मेरी इमेजिनेशन जो लगातार चल रही है, जो मुझे कहीं किसी डिसीजन मेकिंग तक ले जाएगी, मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, है ना, एक डिसीजन अपने घर के बारे में लेना चाहता हूँ, उस घर के बारे डिसीजन लेते हुए सोर्सेज मेरे पास, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, रेगुलेटिंग फैक्टर्स उस डिसीजन के पीछे, मुझे दो बहुत क्लैरिटी से दिखाई पड़ रहे हैं कि एक तो बहुत सारी कंडीशनिंग, बहुत सारा बिलीफ सिस्टम है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर गुड प्लेस टू रिजाइड, वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज है, वहां चलना चाहिए। एक दूसरा बिलीफ सिस्टम है कि नहीं नहीं है ना, अपने सगे संबंधियों, अपने भाई बंधुओं के बीच में ही रहना, सुख दुख में भागी होना एक बिलीफ सिस्टम है, इस तरह के ऑपरेशंस के साथ में मैं घर बनाने की इच्छा। और दूसरा एक एक और ऑपरेशनल फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर, सेंसेशन, जो मुझे है ना आंख से कान से ये देख सुन करके भी मिलता रहता है। तो मेरे पास ये दो सोर्सेज, ये दो इनपुट्स मैं अभी देख पा रहा हूँ कि मेरी इच्छा विचार आशा को चलाने में है ना मुझे हेल्प कर रहे हैं। एक प्री कंडीशनिंग का इनपुट हेल्प कर रहा है, एक सेंसेशन का हेल्प कर रहा है, और ये मेरे में लगातार ये दोनों इनपुट्स आ ही रहे हैं। तो अपने में देखने की जरूरत है कि इच्छा विचार आशा मुझ में चल रही है और इनको इनका रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है, एक्चुअली ये बन कहाँ से रही है इच्छा विचार आशा। तो घर की इच्छा बन गई, मान्यता बेस्ड है, मान्यता से बनी है या संवेदना से बनी है, इसको हम अपने में एक्सप्लोर करें, है ना। एक्सप्लोर करने के साथ अभी हम लोग यहाँ पर है ना, अगर पोल लेना है तो पोल ले सकते हैं, और अदरवाइज हम आगे की स्लाइड पर शिफ्ट करें। बढ़िया, तो एक सोर्स मुझे और भी दिखाई पड़ता है ना, अपनी इस घर बनाने की इच्छा के पीछे, और उसके पीछे है ना मैं भी अभी अपने को एक्सप्लोर करने की प्रोसेस में हूँ। इसी बीच में ये एक्सप्लोरेशन के लिए एक है ना एक पोल अपने पास है। आई एम एबल टू सी दैट इफ माई इमेजिनेशन इज बेस्ड ऑन प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन। अभी अपने को देख पा रहे हैं क्या कि हमारी जो इमेजिनेशन है वो एक्चुअली बहुत सारा आधारित है, प्री कंडीशनिंग पर बेस्ड है और बहुत सारा है ना सेंसेशन पर बेस्ड है। लेकिन इशू क्या है प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन बेस्ड है ना जो मेरी अपनी जो डिसीजन मेकिंग है और जो मेरी इमेजिनेशन है, वो इशू यही है कि प्री कंडीशनिंग्स और मान्यताएं और बिलीफ हर मोमेंट बदल रहा है। सो वन मोमेंट आई एम स्टार्ट थिंकिंग विद द बिलीफ ऑफ माई फादर, विद द बिलीफ ऑफ माई पेरेंट्स, अदर मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट है ना कि मेरे जो फ्रेंड्स का है जो मेरे बारे सजेशन, मेरे घर के बारे सजेशन। तो इस तरह से बिलीव्स आर एवर चेंजिंग, हर बार बदल रहे हैं, और हर बार बदल रहे हैं तो मेरे प्रोग्राम में भी बार बार डेविएशन आ रहा है। तो मैं एक बार शिफ्ट कर रहा हूँ एक बिलीफ के साथ प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक बार शिफ्ट कर रहा हूँ एक बिलीफ के साथ प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसमें मैं कहीं भी फर्म नहीं हो पा रहा अपने डिसीजन में। जबकि दूसरी तरफ है ना सेंसेशन बेस्ड भी अगर देखें तो एक सेंसेशनल प्लेजर मुझे है ना एक तरह के अपनी इच्छा के साथ में, इच्छा पूर्ति के साथ में, एक्सपेक्टेशन के साथ में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करता है। वहीं दूसरी तरफ वही सेंसेशन है ना फॉर द टाइम बीइंग तो अपने को ठीक लगता है, लेकिन दूसरा सेंसेशन है ना उसी मोमेंट कभी कभी आ जाता है किसी और तरह की डिजाइनिंग, किसी और तरह का कलर है ना, वो अपने के लिए फिर एक इनपुट और हो जाता है। तो एक इनपुट के साथ दूसरा इनपुट क्लैश होने लग जाता है इन फॉर्म ऑफ वेरियस प्री कंडीशनिंग्स, इन फॉर्म ऑफ वेरियस सेंसेशंस, और इन दोनों ही स्थितियों में मैं बहुत फर्म होकर डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि मेरी स्थिति बाहर पर, बाहर के इन रेगुलेटरी है ना फैक्टर्स पर बेस्ड है। मैं अपने में घर की रिक्वायरमेंट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, देख नहीं पा रहा व्हाट फॉर दिस है ना, घर की रिक्वायरमेंट मेरे लिए क्यों है, मैं क्यों घर बनाना चाह रहा हूँ। मैं घर बनाना चाह रहा हूँ सिर्फ इसलिए कुछ assumptions पे बेस्ड, कुछ conditionings पे बेस्ड, कुछ sensations पे बेस्ड, या मुझे घर की है ना उपयोगिता अपने लिए दिख रही है, अपने और अपने संबंधियों के लिए संरक्षण के लिए मुझे घर की एक जरूरत है ना, मैं उस घर में रह करके अपने और अपने संबंधियों के स्वास्थ्य को इंश्योर कर सकता हूँ, आगे का प्रोग्राम बना सकता हूँ, इस बात को देख पा रहा हूँ कि नहीं, ये भी एक सोर्स हो सकता है मेरे घर बनाने के पीछे। तो घर बनाने के मेरी इच्छा के पीछे एक सोर्स कंडीशनिंग का देख रहा हूँ, एक सोर्स सेंसेशन का देख रहा हूँ, लेकिन एक और सोर्स की तरफ अपना ध्यान जा रहा है कि मैं घर बनाना तो चाहता हूँ लेकिन घर बनाना किस लिए चाहता हूँ, जिससे मैं सुरक्षित रह सकूँ, है ना, जिससे मैं किसी भी तरह का जो बाहरी है ना जो भी टेम्परेचर का जो अप्स और डाउन है या बाहर का जो भी सराउंडिंग के जो भी उठापटक है
उससे सुरक्षित रह करके मैं घर में आकर के तसल्ली से बैठ सकूं, अपने परिवार के साथ तसल्ली से बैठ सकूं, अपने शरीर को सुरक्षा दे सकूं, इसके साथ मैं एक घर को बनाना चाहता हूं। तो अब मैं देखूं तो मेरे इमेजिनेशन में घर को लेकर के जो अलग अलग तरह की डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन इन रिलेशन टू घर चल रही है, जगह को लेकर के मैं बार बार डेविएट हो रहा हूँ, है ना, डिजाइनिंग को लेकर के डेविएट हो रहा हूँ, ये सारा कुछ डेविएशन जो चल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ कि मेरी मेरे जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं ये बार बार मुझे, है ना, इस डेविएशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो कभी कुछ मान्यताओं को अपने में देखने लग जाता हूँ तो एक तरह से, है ना, प्लान करने लगता हूँ, कभी सेंसेशंस के साथ ऑपरेट करने लग जाता हूँ तो एक तरह से प्लान करने लग जाता हूँ, लेकिन फिर, है ना, उसी बीच में अपना ध्यान आता है, मुझे अपने घर की रिक्वायरमेंट का ध्यान आता है, और वो रिक्वायरमेंट मुझे निश्चित रूप से ध्यान आती है कि शरीर की सुरक्षा के अर्थ में है, है ना, घर की रिक्वायरमेंट, मैं और मेरे अपने परिवार के, है ना, शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से, बाहर के इन्फ्लुएंसेस से अपने को सेफ रखने की दृष्टि से कितने बड़े घर की जरूरत है ये मैं देख पाता हूँ। ये भी मेरे पास एक रेगुलेटरी फैक्टर है, एक ऑर्गेनाइज करने का फैक्टर है। लेकिन इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में, सारे रेगुलेशन में देखें तो अथॉरिटी किसमें मेरे पास है, सेल्फ रेगुलेशन किसमें मेरे पास है, जब मैं ये बाहर से इन बिलीफ सिस्टम्स के थ्रू ऑपरेट हूँ, सेंसेशंस के थ्रू ऑपरेट हूँ, या मैं अपने में इस बात को देख पाऊँ कि इस घर की आवश्यकता मुझे है, मेरे संबंधियों को है, और उस घर की आवश्यकता को देखते हुए, सुरक्षा को, है ना, पर्पस देखते हुए कितने बड़े बड़े घर की जरूरत पड़ेगी, उसकी लिमिट को, कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, उन कमरों में कितने, किस तरह का, है ना, किस तरह की रिक्वायरमेंट बन रही है इंटीरियर्स की, या कह सकते हैं विंडोज की क्या रिक्वायरमेंट है, डोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा जो थॉट प्रोसेस चला रहा हूँ ये मैं अपने घर को सुरक्षा की दृष्टि के आधार पर चला रहा हूँ। तो एक मेरे पास सोर्स है जिसमें मैं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को देख पाता हूँ कि मुझे घर चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए, घर की रिक्वायरमेंट क्यों है मैं फिर अपने से पूछता हूँ, अपने को एड्रेस करता हूँ व्हाट फॉर दिस, है ना, घर इज, तो मैं देख पाता हूँ घर की रिक्वायरमेंट सुरक्षा के लिए है, शरीर की सुरक्षा के लिए है, शरीर की सुरक्षा के लिए मेरे और अपने संबंधियों के लिए, तो मैं देख पाता हूँ कि इतना, है ना, मुझे दो कमरे का घर चाहिए, मुझे चार कमरे का घर चाहिए, और अकॉर्डिंगली मैं प्रोग्राम बना करके उतने कमरे के घर के लिए, है ना, फर्दर एक्सप्रेस होता हूँ बॉडी से, उतने के लिए ना अपने अपना बजटिंग तैयार करता हूँ, उतने के लिए अपनी आउटसोर्सिंग करता हूँ, किस तरह से कहाँ से लोन मिल जाएगा, किस फ्रेंड को अप्रोच करना होगा, किस रिलेटिव को अप्रोच करना होगा, तो दिस ऑल प्रोग्राम दैट विच इज गोइंग टू एक्सप्रेशन जो मैं अब व्यवहार और कार्य के फॉर्म में बॉडी से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक्चुअली उसके पहले मैंने, है ना, एक रेगुलेटरी फैक्टर को, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर को देख लिया। तो मैंने देख लिया कि मेरी आवश्यकता घर की किस लिए है, सुरक्षा की दृष्टि से है, मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया। अब कितना भी, है ना, मूवीज में, बुक्स में, मैगजीन्स में, या कंडीशनिंग के तौर पे लोग कितने भी तरह के मुझे, है ना, इस तरह की एडवाइसेस दें, मैं अपने आप में डिसीजन में फर्म हो पाता हूँ, मैं अपने और अपने संबंधियों की आवश्यकता को, घर को, घर की आवश्यकता को निश्चित कर पाता हूँ, और उस निश्चितता के साथ मैं घर के बारे में प्लान कर पाता हूँ। तो इम्पोर्टेंट है ये देखना कि, इसको वेरीफाई करके देखें कि कब मैं स्वतंत्र होता हूँ, मेरे निर्णय में कब स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब जब वो बेस्ड नहीं है बाहर के फैक्टर्स पे, जब वो डेविएट नहीं हो रहा है, जब उसमें डेफिनेटनेस है। तो वो डेफिनेटनेस जब मैं अपनी आवश्यकता को देख पाऊँ और आवश्यकता अनुसार स्वयं में निर्णय ले पाऊँ तब हो पाता है, या जब ये कंडीशनिंग के थ्रू और सेंसेशंस के थ्रू ऑपरेट होता हूँ तब हो पाता है। हालांकि ये तीनों सोर्सेज मेरे पास अभी हैं डिसीजन लेते हुए। एक एग्जाम्पल के तौर पे घर का एग्जाम्पल लिया, खाने का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लास ज्वाइन करने का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नौकरी करने का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी डिसीजन को, है ना, जब मैं अपने लिए एग्जीक्यूट करने का मन बनाता हूँ, प्रोग्राम के लिए उसके लिए आगे बढ़ता हूँ, तो रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि उस डिसीजन के लिए एक्चुअली कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। वो डिसीजन मैं अपने को देख पा रहा हूँ, अपनी आवश्यकता को देख पा रहा हूँ, अपनी आवश्यकता जो सुख और समृद्धि और उसके निरंतरता है उसके अर्थ में डिसीजन ले पा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा, इसको कह रहे हैं नॉलेज, इसको कह रहे हैं समझ, है ना, इसको कह रहे हैं जानना। अगर जानना के बेसिस पर जो ये, है ना, जो हमारा ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जिसको यहाँ नंबर 3 से
डिनोट कर रहे हैं, अगर ये नंबर थ्री अपने आप में एक्टिवेटेड नहीं है, जो है नेचुरली लेकिन मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दिस, इसके बारे मुझे अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं शिक्षा में इसको एक्टिवेट करने के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं बताई गई. तो थ्रू आउट है ना, आई एम बीइंग ऑपरेटेड थ्रू कंडीशनिंग, डूज एंड डोंट्स से ही ऑपरेट हुआ अभी तक. तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में ये करो ये नहीं करो, मुझे अपने आप में कभी मेरी क्या आवश्यकता है ना, मेरे शरीर को लेकर के क्या आवश्यकता है, शरीर के अर्थ में भी मेरी क्या आवश्यकता है, इसको लेके कभी मैं असर्टन ही नहीं हो पाया. तो इसलिए जो नंबर थ्री का रेफरेंस मुझे एजुकेशन से नहीं मिल पाया ठीक ठीक, इसलिए बाय डिफॉल्ट जानना नहीं हो पाया. इसी सहज स्वीकृति को, इसी नेचुरल एक्सेप्टेंस को, इसी सेल्फ वेरिफिकेशन को, इसको ही बोल रहे हैं जानना हो पाना, सही समझ हो पाना. और इस जानना के साथ मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज होता हूँ, मैं फिर डेविएट नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, एक डेफिनेट कंडक्ट के साथ जी पाता हूँ. जबकि अगर ये जानना नहीं हो पाया तो मेरे पास चॉइस नहीं है कोई और, अदर देन जीना तो है ही, घर तो चाहिए ही, खाना तो चाहिए ही, है ना. तो अब ये सारी चीजें जो मुझे चाहिए, अगर मुझे सहज स्वीकृति का कोई रेफरेंस नहीं है, तो या तो मैं मान्यताओं से ऑपरेट होने लग जाता हूँ, बाहर के अजम्पशन से ऑपरेट होने लग जाता हूँ, कुछ कंडीशनिंग्स के साथ ऑपरेट होने लग जाता हूँ, वैसी प्लानिंग वैसा एग्जीक्यूशन, और या फिर सेंसेशन से. इशू सिर्फ इतना है प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के साथ ऑपरेट होते हुए कि ये बहुत टेम्परेरी है अपने आप, इसमें कोई डेफिनेटनेस नहीं है, ये बदलते रहते हैं. कंडीशनिंग बदली, बिलीफ सिस्टम बदला, है ना, मेरा प्रोग्राम बदला, मेरा निर्णय बदला, तो इस तरह से मेरे डिसीजन में शेकिंग होती रहती है, बार बार बदलना होता रहता है. ऐसे ही सेंसेशन से इनपुट, नया इनपुट मिला, मेरा प्रोग्राम बदला, है ना. तो इस तरह से मेरे बार बार डिसीजन में वेरिएशन होता रहता है, और इस वेरिएशन के साथ, इस डिसीजन में वेरिएशन के साथ, मैं अपने में भी कॉन्फिडेंस नहीं देख पाता, और दूसरा भी है ना मेरे साथ बहुत आश्वस्त होकर के नहीं जी पाता है, क्योंकि मेरे अपने सारे डिसीजन बहुत शेकिंग स्थिति में. शेकिंग स्थिति में इसीलिए है क्योंकि रेगुलेशन कहीं ना कहीं बाहर है, जिसको कह रहे हैं एनस्लेवमेंट, परतंत्रता की स्थिति बोल रहे. परतंत्र का मतलब इस दूसरे के हाथ में इस व्यवस्था को दे रखा है ना. तो स्वतंत्रता का मतलब है मैं अपने में इस व्यवस्था को देख पा रहा हूँ, स्व मतलब अपने में, है ना, तंत्र मतलब ये पूरी व्यवस्था को देख पा रहा हूँ. इस व्यवस्था को देखते हुए मैं देख पा रहा हूँ अपनी आवश्यकता को, अपनी शरीर की आवश्यकता को, और ये शरीर की निश्चित आवश्यकता को, अपनी निश्चित आवश्यकता को, दोनों को देख करके प्रोग्राम बना पा रहा हूँ. तो इस संदर्भ में जितना जितना मैं, है ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे ऑपरेट हो पाता हूँ, मेरी पूरी जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, मेरे अपने हाथ में रहता है. अब शिफ्टिंग नहीं होती, अब चेंज नहीं होता. ऐसा नहीं है कि कंडीशन, जो बिलीफ है या जो अजम्पशंस हैं, उनका इनपुट खत्म हो जाता है. तो अभी भी लोगों के एडवाइसेस, लोगों के सजेशंस, है ना, लोगों की अपने जो बातें हैं, शेयरिंग्स हैं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं. मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनको ध्यान देता हूँ. उनको सुनने और ध्यान देने के बाद, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूड करने के लिए मेरे पास रेफरेंस अपनी सहज स्वीकृति का है, नेचुरल एक्सेप्टेंस का है ना. ऐसे ही सेंसेशन के थ्रू भी मेरे पास बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास, है ना, सहज स्वीकृति का एक रेफरेंस है, जिसके आधार पे मैं स्वतंत्र होकर के जी पाता हूँ. मेरे निर्णय में किसी तरह का, है ना, दूसरे का प्रभावित होकर के निर्णय लेने को के बजाय मैं अपने में निर्णय लेने की कैपेसिटी में आ जाता हूँ. तो ये इम्पोर्टेंट है देखना कि अभी हम लोग जो बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं, छोटे बड़े सारे डिसीजंस को लेकर के देखें, तो खाने का डिसीजन हो, खाने में सिलेक्शन का डिसीजन हो, या फिर, है ना, जॉब सिलेक्शन का डिसीजन हो, है ना, किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का डिसीजन हो, या फिर, है ना, संबंध को स्टैब्लिश करने का डिसीजन हो, शादी करने का डिसीजन हो, नया, है ना, किसी एक नए व्यक्ति से संबंध स्टैब्लिश करने का डिसीजन हो, इन सब डिसीजंस में अभी देखें तो हम कितने सारे डिसीजंस इन मान्यताओं से ऑपरेट होकर ले रहे हैं, सेंसेशन से ऑपरेट होकर के ले रहे हैं, और कितने डिसीजंस में हम अपनी सहज स्वीकृति को, जो है अपने में, लेकिन अवेयर होकर के देखना हो पाए, इसके लिए, है ना, एक ना प्रोसेस की जरूरत है, एक शिक्षा की जरूरत है. तो अभी हमारे पास क्या स्थिति है, क्या हम इतने शिक्षित हैं, इस प्रोसेस के साथ हैं कि हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर अपने डिसीजंस को देख पाए. तो छोटे से एग्जांपल को लेकर के भी देखिए, जब हम खाने का डिसीजन करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो खाना सेलेक्ट कर रहे हैं
जिस खाने की इच्छा विचार आशा चला रहे हैं, जिसका इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो सहज स्वीकृति के आधार पर है, यानी पोषण के अर्थ में है, यानी कि वो बॉडी को हेल्दी रखने के अर्थ में है, या फिर अदरवाइज कुछ सेंसेशनल है ना इनपुट्स के बेसिस पर हम खाने का सिलेक्शन करने लग जाते हैं। तो अपने डेली बेसिस पर अपने बहुत सारे है ना डिसीजंस को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। जब भी हम खाने का डिसीजन ले रहे हैं, जब भी हम आहार का डिसीजन ले रहे हैं, डाइट का डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके बैक में इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है? सेंसेशन है ना, कुछ कंडीशनिंग्स हैं। हमारे यहाँ तो खाया ही जाता है, ये हमारे यहाँ परंपरा में ऐसा चलता ही है ना, या वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर में इस तरह का होता ही है। तो ये कुछ बिलीफ सिस्टम्स के साथ में खाने को सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ सेंसेशन के साथ है ना सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम देख पा रहे हैं कि पोषण के अर्थ में मुझे क्या आवश्यक है, कितनी आवश्यकता है। तो इसको बहुत है ना बहुत आराम से बहुत केयरफुली अपने में देखना शुरू करें। ये छोटा सा निर्णय जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट निर्णय। ध्यान से देखेंगे तो जितनी जितनी बार पोषण के अर्थ में डिसीजन ले पाते हैं, स्वतंत्र होकर के डिसीजन ले पाते हैं है ना, उतनी उतनी बार, क्योंकि हम खुद पोषण चाहते हैं और पोषण के अर्थ में डिसीजन लिया इसलिए सुखी हो पाते हैं है ना। जितनी जितनी बार पोषण के अर्थ में डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन ऑपरेट हो गए सेंसेशन से, तो चाहना तो है कि शरीर पोषित हो, खाना जो खाएं वो शरीर को डिग्रेड ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, लेकिन समहाउ है ना सामने कुछ ऐसा आ गया, अब सेंसेशन से इन्फ्लुएंस हो गए, अब ये क्या हुआ, ये क्लैश हो गया। तो मेरी अपनी चाहना और मेरे अपने करने में क्लैश हो गया। इस क्लैश की वजह से, इसी डायकोटोमी की वजह से, इसी डिसहार्मोनी की वजह से मुझे दुख होता है। तो मैं चाहता कुछ और हूँ, मैं करने कुछ और लग जाता हूँ। दिस इज है ना दिस डिसहार्मोनी, दिस इज एक्चुअली रीजन बिहाइंड जो कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो रेफर कर रहे हैं, ये अनहैप्पीनेस का कारण। तो उसको देखिए ऐसे ही है ना, जॉब सिलेक्शन का, अगर हम जो जॉब सिलेक्शन कर रहे हैं या अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर रहे हैं, परिवार को सिलेक्ट कर रहे हैं है ना, उसको भी देखें कि जॉब सिलेक्शन के पीछे क्या उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो मैं शरीर को की आवश्यकताओं को, अपने संबंधी की और अपनी, इसको असेस करके उसको पूरा करने के अर्थ में किसी काम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसी जॉब को सिलेक्ट कर रहा हूँ है ना, जिससे कि मैं समृद्धि के भाव के साथ अपने और अपने परिवार के साथ में जीवन यापन कर सकूं। तब मैं किसी जॉब को, बिजनेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, या समहाउ है ना कुछ एक मान्यता पर आधारित कुछ है ना जॉब्स को डिस्क्रिमिनेट कर रखा है कि नहीं ये वाला जॉब तो है ना ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, दिस इज ओनली, दिस इज वर्क फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट दिस है ना, आई विल डू दिस। और इस मान्यता के पीछे मेरी कुछ इस तरह की इच्छा इन्वॉल्व है कि मैं सम्मान पाना चाहता हूँ, तो इस पर्टिकुलर जॉब के साथ तो सम्मान सुनिश्चित नहीं होगा है ना, ये तो कुछ इंफीरियर जॉब है, तो कुछ ऐसे अजम्पशंस के साथ मैं जॉब का सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो ध्यान देने की बात ये है कि सम्मान की चाहना है, सम्मान मेरा इशू है, सम्मान एक भाव है, लेकिन उस भाव को नहीं समझ पाने की स्थिति में समहाउ मैं है ना जो एक दूसरी मेरी अपनी चाहना यानी जॉब की चाहना जिसके पीछे भाव सम्मान का नहीं, सिर्फ अपने में इस बात का एश्योरेंस हो जाए जॉब के साथ कि मैं अपने और अपने परिवार की जरूरतों को टेक केयर कर सकता हूँ, अब यहाँ क्लैश होने लग गया। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू सी व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी। सो आई एम, दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हेन आई एम इन्फ्लुएंस्ड आइदर बाय है ना मान्यता, कंडीशनिंग्स और संवेदना, सेंसेशन, दिस इज माई करंट स्टेटस। अभी जो ऑपरेशनल हूँ मैं इन है ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कुछ दबाव काम कर रहा है, कुछ प्रभाव काम कर रहा है। और एक और तीसरी स्थिति है जिसमें मैं खुद देख पाऊँ कि कोई भी जो डिसीजन मेकिंग मैं कर रहा हूँ वो मेरे स्वभाव से हो रही है। स्वभाव का मतलब जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ का मतलब कि मैं देख पा रहा हूँ मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, है ना। तो मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस शरीर के ना पोषण की है, शरीर के संरक्षण की है, उस दृष्टि से मैं अपने घर के अपने खाने का सिलेक्शन करता हूँ है ना। या फिर ये देखता हूँ कि है ना ये पर्टिकुलर खाना अगर लोग और देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये है ना दिन भर खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं है ना, इनके पास में कुछ और खाने को नहीं है। तो अभी क्या है, मैं कहीं ना कहीं अपनी सम्मान की चाहना के साथ अपने खाने के तो सिलेक्शन को लेकर के कंफ्यूज हुआ।
सो दिस इज माई स्टेट ऑफ बीइंग एंड दिस इज जो अभी हूँ और जो मैं होना चाहता हूँ. तो जो मैं होना चाहता हूँ वो मेरी सहज विकृति है. जो मैं हूँ अभी वो मैं डेविएट हो रहा हूँ बार बार, है ना, कभी बहुत सारी कंडीशंस के साथ, कभी सिचुएशन के साथ. जब भी डेविएट हो रहा हूँ, चाबी दूसरे के हाथ में हो गई, बाहरी हाथ, बाहरी है ना रेगुलेशन हो गया, मैं परेशान होने लग जाता हूँ क्योंकि जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा. जब जब मैं जो चाह रहा हूँ वो हो पाता है, चाबी मेरे हाथ है, कंट्रोल मेरे हाथ है और उस सुख को, उस हारमोनी को मैं अपने देख पाता हूँ. आगे की अगर स्लाइड देखिए तो हम लोग इस डायकोटोमी को, इस जो है ना इस डेविएशन को, इस स्प्लिट को बहुत आराम से देख सकते हैं. आगे की स्लाइड कर दें भैया, नेक्स्ट स्लाइड में शिफ्ट कर दें. हेलो हेलो. हाँ दीदी. हाँ भैया, सुन पा रहे हैं? जितेंद्र भैया. हाँ 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 ठीक है. एक बज गया दीदी लगभग, तो आधे घंटे है अपने पास. हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया. हाँ जितेंद्र भैया. ठीक है, तो हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं अभी, अपने में जांचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि हमारे डिसीजन मेकिंग का, हमारे डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन में जो फाइनल जो हम फर्दर सेलेक्ट कर ले रहे हैं उसका आधार क्या है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है. तो डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन जो अपने में चल रही है उसको देखें किस तरह की स्थिति में चल रही है, वो पहली वाली स्थिति में है या दूसरी वाली स्थिति में है. तो अगर पहली वाली स्थिति में देखें तो एक डिजायर बनती है, वो डिजायर है मेरी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी की. उस कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी की डिजायर को के साथ में, है ना, मैं ऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ. बहुत सारी कंडीशनिंग्स, बहुत सारे सेंसेशंस, ये मेरे पास इनपुट है ही सुख के नाम पे, समृद्धि के नाम पे. तो कह ही रखा है लोगों ने, है ना, कि सुख को, है ना, एक्साइटमेंट के फॉर्म में कंफ्यूज हो करके कि नाच गाना, डिस्को, है ना, बढ़िया बढ़िया खाना, जगह जगह घूमने जाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मेरे पास है ही, है ना, परंपरा से. या फिर बहुत सारे ना अच्छे अच्छे जाकर के लोगों की संगत में बैठना, उपदेशों को सुनना, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस मेरे पास हैं जिसको मैं सुख की चाहना में, है ना, विचार में चलाता हूँ, उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके साथ में, है ना, ऑपरेट होने लग जाता हूँ. ऐसे ही सेंसेशन के साथ में भी, है ना, सुख को कहीं मान लिया है, जोड़ लिया है, तो वहां भी ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अपने में दिखाई पड़ती रहती है. ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इसलिए हो रही है क्योंकि निश्चितता नहीं है मेरे में, मैं बार बार शिफ्ट हो जा रहा हूँ. निश्चितता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने स्वभाव से ऑपरेट ना हो करके प्रभाव से ऑपरेट हो रहा हूँ, दबाव से ऑपरेट हो रहा हूँ, जिसको कह रहे कंडीशनिंग से या सेंसेशन से. तो जब भी ये बाहर का, है ना, प्रभाव और दबाव बदलता है मेरे में, अपने में, है ना, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, वहां भी चेंजेस दिखाई पड़ने लग जाते हैं. तो मेरे अपने कहीं समझने में और समझ के प्रोग्राम बनाने में सुख को नहीं समझ पाया, सुख को कहीं और इन्फ्लुएंसेस, है ना, कह सकते हैं मान्यताओं से और सेंसेशन से, उसको ऐसा करके ऑपरेट होने लगा. मेरे कंडक्ट में इनडेफिनेटनेस क्लैश होने लग जाता है. ऐसे ही प्रोस्पेरिटी को नहीं समझ पाया, समहाउ प्रोस्पेरिटी को वेल्थ समझ लिया, वेल्थ समझने के साथ में बहुत सारा एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया. तो अब ये जो, है ना, दो अलग अलग तरह के सोर्सेज से जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन मुझे अपने में दिखाई पड़ते हैं, ये जो सेकंड वाला पार्ट है स्लाइड का, उसमें आप देख पा रहे हैं मेरी डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन ये क्लैश करने लग जाती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हमारी अभी की स्थिति क्या है. मैं अपने स्वभाव से ऑपरेट हो पा रहा हूँ या कहीं ना कहीं मेरी ये डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन ये क्लैशिंग स्टेट में है. मैं चाह कुछ और रहा हूँ, मैं कर कुछ और रहा हूँ, खाने के सिलेक्शन को लेकर के, है ना, जॉब के सिलेक्शन को लेकर के, रादर प्रोस्पेरिटी को भी अगर देखें तो चाहता तो हूँ प्रोस्परस होना. बार बार आप पूछें अपने से, प्रोस्परस होना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, है ना, तो वॉट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल. तो चाहते तो हैं प्रोस्परस होना, है ना, लेकिन प्रोस्पेरिटी को समझ नहीं पाए तो वेल्थ एक्युमुलेशन में जुट जाते. Now see carefully, this prosperity which is a natural desire and wealth accumulation that is unnatural either came from, you know, कहीं preconditioning से आ गई wealth accumulation कि खूब सारा जब कमा लोगे तो सुखी हो ही जाओगे, समृद्ध हो ही जाओगे, या फिर मैंने पड़ोसी को देख लिया उसका, है ना, दिनों दिन बढ़ता हुआ महल, बनता हुआ महल, जुड़ती हुई गाड़ियां. तो इस तरह से मैंने sensation से या conditioning से wealth accumulation को इन ड्यू कोर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी अगर अपना प्रोग्राम बना लिया,
अब मेरी ये जो डिजायर्स हैं ये क्लैश करने लग जाती हैं। तो चाहना तो प्रॉस्पेरिटी की थी, लेकिन अब प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ एक्युमुलेशन ये दोनों ही क्लैशिंग सिचुएशन में, तो अपने में देखने की जरूरत है कि कहीं है ना समझ और स्पष्टता के अभाव में हमने इन क्लैशिंग डिजायर्स को ही तो अपनी डिजायर अपना प्रोग्राम नहीं बना लिया। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं कह रहे कि गाड़ी की जरूरत नहीं है, घर की जरूरत नहीं है, लेकिन गाड़ी और घर की जरूरत को देखते हुए मैं ये देख पा रहा हूँ क्या कि है ना कि इस गाड़ी और इस घर का एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट शरीर के अर्थ में है या मेरे अर्थ में है, शरीर के अर्थ में है तो इसकी सीमा है कि नहीं, इसके इसको निश्चित किया जा सकता है कि नहीं, है ना। या फिर अगर मैं इसको कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि ये घर और ये है ना कार ये सब कुछ मेरे लिए मेरे सम्मान के लिए जरूरी है, तो बड़ा घर तो ज्यादा सम्मान है ना, बड़ी गाड़ी तो ज्यादा सम्मान, तो इस है ना इस कंफ्यूजन में इस स्टेट ऑफ डिल्यूजन में कहीं मैं डेविएट तो नहीं हो रहा अपने प्रोग्राम में, कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स के फॉर्म में तो है ना मेरी अपनी प्रोग्रामिंग और फंक्शनिंग नहीं हो रही, जिसके चलते मैं खुद ही तो नहीं उलझ रहा हूँ, खुद ही तो नहीं परेशान हो रहा हूँ। इसको ध्यान से देखने की जरूरत है और ये हर व्यक्ति को देखने की जरूरत है। स्टूडेंट है उसकी अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स तो नहीं है, एक मैं हूँ मेरी अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स तो नहीं है, इसको देखने की जरूरत है। एक बार अपने में जो चल रहा है डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन जिसको इमेजिनेशन बोल रहे हैं उसको स्ट्रीमलाइन देख लेने की जरूरत है, स्वभाव से देख लेने की जरूरत है। ये देख लेने की जरूरत इसलिए है कि फर्दर मैं जो बॉडी से एक्सप्रेस करूँ जो उसके लिए फिर फर्दर मैं काम करूँ उसके लिए है ना, चाहे उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करूँ, चाहे उसके लिए प्रोडक्शन करूँ, चाहे उसके लिए है ना दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके उसको लेने का प्रकृति के साथ और व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करके लेने का प्रोग्राम बनाऊं, इन सब में एक ना स्वभाव से ऑपरेट होकर के व्यवस्था के साथ ऑपरेट होकर के देखने की स्थिति बनी। तो अभी देखें अभी हमारी स्टेट ऑफ इमेजिनेशन क्या है, क्या हम इमेजिनेशन में बार बार डीटी में स्वभाव का रेफरेंस ला पाते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, ये मुझे बार बार है ना अपनी हर डिजायर के पीछे इसको एक्सप्लोर कर पाता हूँ कि मेरी डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन मेरी चाहना के अनुसार हो, या मैं अभी ये देखता हूँ देख पाता हूँ कि मेरी डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन बार बार स्विच कर रही है, स्विच कर रही है और इसलिए कर रही है क्योंकि जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं वो या तो कंडीशनिंग है या तो सेंसेशन है। सो मोस्टली व्हाट इज माई प्रेजेंट स्टेट ऑफ इमेजिनेशन, इज इट रैंडम डिसऑर्गेनाइज और कह सकते हैं guided either by preconditioning or sensation, or it is self-organized, है ना? It is based on my natural acceptance. जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ, मेरी अभी की स्थिति क्या है। Importantly, explore करने की जरूरत है, मैं अपनी current status को भी देख पाऊँ, so what is my present state of imagination, है ना? इसको हम देख पाए। तो अभी मुझ में clarity है क्या, स्पष्टता है क्या कि मैं चाहता क्या हूँ, natural acceptance क्या है? तो मेरी डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस से गवर्न्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है या फिर रैंडम है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि कभी भी मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस को नहीं रेफर कर पा रहा, कभी कभी तो आ ही रहा है उसका रेफरेंस, इसीलिए घर की चाहना बन रही है, संबंध की चाहना बन रही है, पोषण की चाहना बन रही है, बार बार पूछ रहा हूँ अपने से तो ऐसा चाहता हूँ सुरक्षित रहूँ है ना, पोषित रहूँ, संबंध में रहूँ, सुखी रहूँ, तो ये सारी चाहना स्वभाव से आ रही है, लेकिन somehow उस स्वभाव को संबंध को पोषण को देख पाने का है ना सेल्फ में अभी एक है ना अभ्यास नहीं है, उस तरह की शिक्षा नहीं है, इसलिए मेरे अपने डिसीजंस रैंडम हो रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। हमारे पास पोलिंग रिजल्ट भी है, रिफ्लेक्शन रिजल्ट्स भी है, अगर देखें तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इमेजिनेशन इज मोस्टली रैंडम एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, सो मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू सी, 75% ऑफ अस आर एबल टू सी दिस, है ना, और बहुत सारे लोग हमें से अभी भी हैं ऐसे जो स्वभाव को देख पा रहे हैं और स्वभाव को देख करके अपने डिसीजंस को ले पा रहे हैं। स्वभाव का मतलब मैं फिर बार बार ध्यान दिला दूं, नंबर 3 पॉइंट जो लिखा हुआ है, नेचुरल एक्सेप्टेंस लिखी हुई है, स्वभाव लिखा हुआ है, इंटेंशन लिखी हुई है, इसका मतलब मैं अपनी चाहना को देख पा रहा हूँ, है ना, बेसिक एस्पिरेशन क्या है उसको देख पा रहा हूँ, व्हाट आई नेचुरली वॉन्ट, है ना। अगर देखेंगे तो अगर ना इन नटशेल बोले तो मैं सुख और समृद्धि को बार बार है ना रेफरेंस में ले पा रहा हूँ, सुख को समझ पाया हूँ, व्यवस्था को समझ पाया हूँ, व्यवस्था के अर्थ में डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन चला रहा हूँ,
सुख को समझ पाया हूँ, व्यवस्था को समझ पाया हूँ, संबंध को समझ पाया हूँ, इसलिए संबंध और व्यवस्था के अर्थ में डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन चला रहा हूँ। इसी तरीके से समृद्धि को समझ पाया हूँ और समृद्धि को देखते हुए ये बात को भी समझ पाया हूँ, है ना, कि मेरी आवश्यकता का निर्धारण करना ये मेरा पहला काम है। आवश्यकता निर्धारित हो जाए तो उससे ज्यादा का प्रोडक्शन कर लेना, अपने लिए इंश्योर कर लेना, ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। इन दोनों प्रोग्राम्स के साथ मैं अपने में समृद्ध हो सकता हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है समृद्धि के लिए और ये मेरा प्रोग्राम है, है ना, समृद्धि की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ मैं कितनी सर्टेनिटी के साथ, है ना, अपने डिसीजन को ले पा रहा हूँ, इसको देखने की जरूरत है। एक है ना सर्वे है, एक ऑन एन एवरेज जो हम लोगों को एक ना पाई डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा रहा है, पर उस डायग्राम को देखने के पहले एक बार अपना सर्वे हम लोग खुद लें, एक रिफ्लेक्शन लें। आई कैन सी द कंटेंट ऑफ माय इमेजिनेशन। तो अब मैं सेल्फी ले पा रहा हूँ, सेल्फ को देख पा रहा हूँ, अपने में इच्छा विचार आशा को देखना ही एक्चुअली सेल्फ को देखना है। जो मुझ में चल रहा है उसको देखने के लिए किसी आंख की जरूरत नहीं है, किसी सेंसेशन की जरूरत नहीं है, हार्डली, मतलब मिनिमम यूज है इसका, जिसको है ना उपयोग करके, सदुपयोग करके मैं अपने को देखने का काम अपने में कर रहा हूँ। सो आई कैन सी द कंटेंट ऑफ माई इमेजिनेशन नाउ। द मेजर मोटिवेशन फॉर माई इमेजिनेशन इज, क्या सबसे ज्यादा मोटिवेशन फैक्टर होगा, रेगुलेशन होगा मेरे इमेजिनेशन के लिए। तो अभी देखें फिलहाल, तो देखें माई प्री कंडीशनिंग, माई अजम्पशन, ये मेजर फैक्टर है, और द सेंसेशन, है ना, आई गेट जो मुझे मिल रहा है अभी, देखें फिलहाल इस मोमेंट देखें, टेस्ट स्मेल टच से जो सेंसेशन मिल रहा है, मुझे बात अच्छी लग रही है, ये है ना मुझे अपील कर रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बात ठीक है, मेरी डिजायर में ये बन रहा है, बात समझनी चाहिए। या मैं स्वभाव को बार बार एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि नहीं, यही मेरे सुख समृद्धि का एकमात्र रास्ता है। व्यवस्था को समझ पाऊंगा, व्यवस्था में ही सुख है, व्यवस्था को समझ पाऊंगा, व्यवस्था में संबंध की स्थिति को ठीक ठीक देख पाऊंगा, तभी मेरे सुखी होने का प्रोग्राम है। तो मैं स्वभाव को कितना देख पा रहा हूँ, है ना, अभी की क्या स्टेटस है, अभी मैं कितना कंडीशनिंग्स में और अजम्पशंस के साथ मेरी इमेजिनेशन चल रही है, इन सबको हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत ऑनेस्ट इवैल्यूएशन है ना, ऑलमोस्ट दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे लोग आराम से इस बात को देख पा रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी कंडीशनिंग्स, बहुत सारे अजम्पशंस के साथ ऑपरेशन है। 42% ऑफ अस आर ना इस तरह का बात देख पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी देख पा रहे हैं कि ठीक बात है, सेंसेशन से भी ऑपरेशन हो ही रहा है, ऑल्दो इट इज, है ना, लेस। अभी देखें अपनी जो इस ग्रुप में सेंसेशनल ऑपरेशन कम लोगों को दिख रहा है, ज्यादा प्री कंडीशनिंग का और नेचुरल एक्सेप्टेंस का, और ज्यादा नेचुरल एक्सेप्टेंस को यानी स्वभाव से देखने का, समझ से देखने का, है ना, व्यवस्था के साथ देखने का, ये भी 49% लोगों का ऐसी अभी की स्थिति दिख रही है कि मैं अपने इमेजिनेशन को देख पा रहा हूँ और मोटिवेशनल फैक्टर जो मेरे इमेजिनेशन का है वो पर्टिकुलरली स्वभाव है, ऐसा मुझे दिखा पड़ता है। तो बढ़िया, इसी तरह के कुछ और ऑब्जर्वेशन को अगर देखें, और रादर बहुत सारे प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ यहाँ एक एनालिसिस की, जो आप देख पाएंगे कि लगभग 65% जो है वो ऑपरेशन वो प्री कंडीशनिंग से हो रहा होता है, है ना। नॉर्मली जब हम ऑन एन एवरेज अभी, है ना, अभी शिक्षा की वस्तु पूरी नहीं होने के साथ में जब ऑपरेट हो रहे होते हैं, है ना, कुछ मिलाकर के 15% के लगभग हमारा सेंसेशनल इनपुट रहता है, और कुछ, है ना, 10% हम स्वभाव से भी ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे सुख और दुख की स्थिति जो ये, है ना, एक डाइकोटोमी सी दिखती है, चाहते तो हमेशा सुखी होना है लेकिन कभी सुख कभी दुख, वो इसीलिए कभी स्वभाव से ऑपरेशन है, कभी दबाव प्रभाव का इनपुट है। ये मेरी अपनी स्थिति है, ये मेरी सेल्फी है, ये मैं देख पा रहा हूँ और कंक्लूड ये कर पा रहा हूँ कि अगर मेरी इमेजिनेशन स्वभाव पर बेस्ड हो जाए, स्वभाव का मतलब समझ पर बेस्ड हो जाए, सही समझ पर बेस्ड हो जाए, है ना, और ये सही समझ पर जो बेस्ड होना है, इसके लिए किसी बाहर को, किसी को कुछ नहीं करना है, मुझे अपने नहीं करना है। तो मैं समझने के लिए प्रोग्राम बना पाऊँ, है ना, मैं समझ करके इस स्वभाव के साथ ऑपरेट होने का प्रोग्राम बना पाऊँ, इसी को कह रहे हैं कि शिक्षा की आवश्यकता है, मुझे शिक्षित होकर के व्यवस्था को समझने की जरूरत है, व्यवस्था को समझ करके व्यवस्थित होकर जीने की जरूरत है। ये पूरा काम, शिक्षा संस्कार का काम पहले अपने में होने वाला है। जब एक बार अपने में हो जाएगा क्लैरिटी के साथ, तब फिर हम उस क्लैरिटी के साथ, उस डेफिनेटनेस के साथ, फिर मनुष्य के साथ या रेस्ट ऑफ नेचर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे इंटरेक्शन में डेफिनेटनेस आती है। अभी फिलहाल की स्थिति में हमारे इंटरेक्शन में जब हम मनुष्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ कार्य कर रहे हैं, अपने से प्रश्न करें, अपने को इवैल्यूएट करें, क्या हम डेफिनेटनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं
या कुछ assumption based है ना, मेरा interaction बार बार बदल रहा है, कुछ के साथ निश्चित रह रहा है, कुछ के साथ अनिश्चित रह रहा है, व्यक्तियों के साथ करते हुए ऐसे ही है ना, प्रकृति के साथ भी देखें कि हर समय हर क्षण हर पल क्या हम है ना एक निश्चितता के साथ प्रकृति के साथ समृद्धि के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर मेरे प्रकृति के साथ इंटरेक्शन में भी अनिश्चितता बनी हुई है ना। हालांकि चाहना बार बार ऐसी दिख रही है कि प्रकृति समृद्ध हो, मैं भी समृद्ध हूँ, है ना, लोगों के साथ संबंध में मधुरता हो, मैं सुख के साथ जीता हूँ, लोग भी सुख के साथ जी पाए, चाहना स्तर पर क्लैरिटी होते हुए भी जो करने के लिए दिक्कत आ रही है उसने है ना अपने को ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को बहुत ठीक से देखना पड़ेगा। और ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर को अपने में कितना वेटेज देना है, कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, ऐसा नहीं है इनपुट्स तो रहने ही वाले, लेकिन ये इनपुट्स को इम्पोर्टेंस देना है कि नहीं देना है ये मेरा अपना है ना डिसीजन है, एंड दैट आई कैन डिसाइड। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशनिंग्स कितनी भी हो, एक बार बात समझ आती है, ठीक बात समझ आती है, ठीक दिखता है तो ठीक है ना करने का प्रोग्राम बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेल्फ को देखने का एक प्रोग्राम बनाया। इमेजिनेशन दैट इज बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज डिजायरेबल फॉर मी, इसको कह रहे हैं सही समझ, इसको कह रहे हैं जानना, और इसके आउटकम के फॉर्म में कह रहे हैं व्यवस्था में जीना, सुख के साथ जीना, डेफिनेटनेस के साथ जीना, ये आउटकम के फॉर्म में, ये अचीवमेंट के फॉर्म में, अपने में है ना एक उपलब्धि के फॉर्म में देखना हो पाए, ऐसा अपना प्रयास है, ऐसा अपना एक्सप्लोरेशन चल रहा है। अभी भी बार बार मैं ध्यान दिला दूं, किसी भी बात को मान ना लें, खूब एक्सप्लोर करें, देखने का प्रयास करें अपने में चल रहा है क्या, चल रहा है तो हमेशा चल रहा है, और जो हमेशा चल रहा है उसका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या। अगर कुछ प्रश्न है तो हम लोग प्रश्नों को ले सकते हैं, अगर कुछ रिफ्लेक्शन है, कुछ अपने में है ना अपनी समझ बनी है, एक पोल भी सामने डिस्प्ले हो रहा है ना, तो इस पोल को भी एक बार देख लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं। सो दिस पोल इज है ना विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग योर आई रियली वांट टू, ये रिफ्लेक्शन आपका जानना चाह रहे हैं इस पोल के थ्रू। हैव माय कंप्लीट इमेजिनेशन बेस्ड ऑन माय राइट अंडरस्टैंडिंग और कीप माय इमेजिनेशन जस्ट एज इट इज, तो व्हाट आई रियली वांट टू बी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें है ना, डिड नॉट टू बॉदर, व्हाट एवर इनपुट्स आर कमिंग लेट इट बी लाइक दैट, जैसा चल रहा है आई एम कंफर्टेबल विद दैट, रादर ये कंडीशनिंग्स के साथ, सेंसेशंस के साथ, स्विचिंग के साथ, इनडेफिनिटनेस के साथ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, और आई वॉन्ट टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइज है ना, स्वतंत्र होना चाहता हूँ मैं, इस पूरे स्वभाव के साथ अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ है ना व्यवस्था को, संबंध को, सुख को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। तो ये पोल क्वेश्चन, ये रिफ्लेक्शन आपके लिए आपके सामने है, इसको खूब सोच समझ करके ध्यान से है ना अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए 95% लोगों का रिफ्लेक्शन है कि यस ट्रू आई रियली वॉन्ट टू बी, कि ये जो कम्प्लीट इमेजिनेशन है ये मेरी सही समझ पर बेस्ड हो, इसलिए सही समझ को है ना और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सही समझ का मतलब अपने बारे क्लैरिटी हो जाए, परिवार के बारे क्लैरिटी हो जाए, पूरी व्यवस्था के बारे, समाज के बारे, प्रकृति के बारे, एग्जिस्टेंस के बारे, पूरा व्यवस्था के बारे क्लैरिटी हो करके क्लियर हो जाता है। तो इसके बारे है ना कुछ 95% लोगों का इस तरह की संबंध बन रहा है, बाकी कुछ 5% लोग अभी ऐसा भी देख पा रहे हैं है ना कि ठीक है जो चल रहा है अभी फिलहाल वो भी कुछ दैट इज आल्सो नॉट बैड, सो लेट इट बी लाइक दिस ओनली। तो इस रिफ्लेक्शन के साथ हम लोग और एक्सप्लोरेशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं और रादर अभी बताएं व्हाट नेक्स्ट, कुछ हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस लेंगे इस पर बेस्ड, कुछ एक्टिविटीज करेंगे शाम के सेशन में जिससे हम लोग इन डेप्थ जा सकें, जो अपनी है ना जो अभी तक अपनी समझ बनी है, जो अपने में जो एक इंफॉर्मेशन मिली है, अभी मैं इंफॉर्मेशन ही कहूँगी, अभी इसको भी एक मानना ही कहूँगी, एजम्पशन ही कहूँगी, लेकिन इसको जानने तक पहुँचने में असिमिलेट हो पाए, अपने में सकल हो पाए, अपने में सिंक हो पाए, इसके लिए बहुत सारा इवैल्यूएशन काम करेगा।
तो उस इवैल्यूएशन के को और थोड़ा नर्चर करने के लिए, थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए शाम को भी हम लोग ना सेशन रखते हैं 1.5 घंटे का, तो उसके साथ में उसको तो